हेलो जी, ये सांग तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता रहा हूं। पीएमबीएल पाकिस्तान फाइनल्स के दो दिन खत्म हो चुके हैं और दो दिन खत्म होने के बाद जो ओवरऑल स्टैंडिंग से पहले तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। टॉप पे टीम मैग्नस मौजूद है, सेकंड पे 3x, थर्ड पे एगोनेक्स आई8, फोर्थ पे R3G और फिफ्थ पे 52 ई-स्पोर्ट्स। जबकि 6, 7 और 8 पे 7th एलिमेंट क्वांटम रे जो टीम टफ मौजूद है। ये तो हो गई टॉप 8 टीम्स की बात, बाकी इसके अलावा बॉटम 8 की जो रैंकिंग है वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत सी टीमें ऐसी है जो कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रही, और बहुत सी टीमें ऐसी हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दे रही है। आप सबको पता ही होगा कि फैन फेवरेट तो आईएटी स्पोर्ट्स है, और हैशटैग वन से आईएटी स्पोर्ट्स जो है वो 16 पॉइंट्स पीछे मौजूद है। तो देखते हैं कि आज के दिन कंप्लीट होने के बाद कौन सी टीम हमें बीएमडब्ल्यू आई और कौन सी टीम हमें साउथ एशिया चैंपियनशिप जाती हुई दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि आईएटी स्पोर्ट्स विन कर सकती है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। ये तो हो गई ओवरऑल रैंकिंग की बात, बका इसके अलावा टॉप फ्रेगर के रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। बीएमबीएल पाकिस्तान में तकरीबन 30 किल के साथ 52 स्पोर्ट्स के जो छोटू है वो टॉप पर मौजूद है, जबकि इसके अलावा सेकंड पर जो है वो रोशन मौजूद है, और इसके अलावा मजीद फ्रेगर जो है वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। 52 स्पोर्ट्स की तरफ से भी काफी अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है। यार मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर बोनस पॉइंट निकाल दिए जाए तो 52 वो वाइट टीम है जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए हैं। तो देखते हैं कि आज के लास्ट डे में 52 भी कैसा परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई देती है। अगर आपके हिसाब से कौन सी टॉप 8 टीम साउथ एशिया चैंपियनशिप जाएंगी, ये भी कमेंट बॉक्स में लास्ट में प्रेडिक्ट करें। अगर इसके अलावा मैच के कुछ मूवमेंट्स के रिलेटेड अब बात कर लेते हैं, कल के मैच में आईएटी स्पोर्ट्स और टीम एनएस की काफी ज्यादा फाइट्स वगैरह हो रही थी। अगर सीन ये होता है कि 4v4 फाइट में आईएट वर्सेस एनएस चल रहा होता है और जो टीम विन करती वो चिकन डर निकाल लेती, उसमें आईएटी स्पोर्ट्स चोक कर जाती और टीम एनएस जो है वो इजीली ले जाती है आईएटी स्पोर्ट्स को, फिर पहले तो वो मूवमेंट चेकआउट करें। गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हुए इस फाइट को इनिशियलाइज करने के लिए उसम काफी करीब जा चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उनका प्ले एरिया के वो सर्कल के अंदर अपनी जगह ना बना पाए। ये है स्ट्रेटजी, ये होती है स्ट्रेटजी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स, क्या उनके पास कोई डी कोड है इस स्ट्रेटजी का एगोनिक्स आईएट के अगेंस्ट? लेकिन उसम अभी के लिए ग्रेनेड उन्होंने निकाला है, एक फेंका भी दूसरा भी फेंक देते हैं। क्या कोई रंग ये लेकर आएगा? नहीं। लेकिन नाइटमेयर की तरफ से भी ग्रेनेड वो फेंकने का इरादा रखते हैं। उसम स्मोक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं, ग्रेनेड फेंका उन्होंने अपने एरिया, अपने सराउंडिंग्स को वो क्लियर करना चाहते हैं कि क्या कोई प्लेयर मेरे करीब तो मौजूद नहीं। लेकिन उसम काफी ध्यान से आपको खेलना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स फ्लैंक लेकर बिल्कुल ईस्टर्न साइड से आती हुई नाइटमेयर आगे बढ़ते हैं, स्पॉट डाउन किया जाता है, नॉकडाउन भी करते हुए नजर आएंगे। गोनेक्स आईएट के घोष को नॉकडाउन कर दिया गया, जंप फायर करेंगे लेकिन स्पॉट डाउन किया जाता है। चिकन किसका हुआ? नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एलिमिनेट्स गोनेक्स आईएट विद इन अ स्प्लिट सेकंड। पता ही नहीं चला कि कब हुआ और क्या हुआ। तो इस मैच के बाद सीरी होता है कि नेक्स्ट ही मैच में आईएट वर्सेस एनएस दोबारा होता है, इसमें एनएस जो है वो ऑलवेज आईएट ईस्पोर्ट्स को किल ही कर देती है। इंग्लैंड में उजम जो है वो ग्रेनेड से 1v3 करके आईएट ईस्पोर्ट्स को सेव कर लेते हैं, और उजम की तरफ से जो रिवेंज है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो उस मूवमेंट पे दानी और मिस्टर जे प्लेस का जो रिएक्शन था वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। बट ऑलमोस्ट सेम सर्कल है, आप कह सकते हैं कि उसी तरह पानी में 20-30% एरिया अनप्लेबल है, लेकिन यहाँ पर उसके ऐसा आएगा ब्लेड के ऊपर, लेकिन ब्लेड ग्रेनेड काम करते हुए एक नॉक निकाला जाएगा। ही हैज अ शॉटगन, ही हैज अ शॉटगन, बट ही हैज टू बी वेरी प्रिसाइज होना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आरिफ आगे बढ़ते हैं, प्रिसाइज होते हैं ब्लेड, कवर फायर देने के लिए घोस्ट भी आ जाएंगे, उनके पास भी शॉटगन मौजूद है, ही ऑल्सो हैज टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन प्रिसाइज नहीं होते, घोस्ट की तरफ डैमेज पड़ेगा, ही इज डाउन टू 1 HP। आरिफ यहाँ पर उनको काफी ट्रबल देकर जाएंगे, लेकिन उजम उनको यहाँ पर पकड़ा जाएगा मैक्स की तरफ से। दे आर इन अ ट्रबल राइट नाउ, दे यहाँ डाउन हो जाएंगे सामने से। आई बिलीव एक यूटिलिटी फेंक के साथ ये इज अ ग्रेनेड और अ स्मोक, नथिंग, यूटिलिटी कहीं और फेंक की जाएगी, लेकिन गोश को पकड़ा जाता है, ग्रेनेड ही था जो उजम की तरफ से आता है लॉन्गर रेंज से, और उजम यहाँ नॉक भी निकाल देंगे, फिर से ग्रेनेड आएगा, आरिफ यहाँ डाउन हो जाएंगे, मैक्स इज लास्ट वन स्टैंडिंग, उजम हैज टू डू समथिंग अमेजिंग, एक और ग्रेनेड, 1v3 एगोनिक साइड अपने कदमों पर वापस खड़ी हो जाएगी, एंड क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली ड्यूसम। मैं दोबारा से देखना चाहता हूँ यार, एक ग्रेनेड, दूसरा ग्रेनेड, तीसरे पे कहानी ही खत्म। एगोनिक्स आई एट गुम, दूसरे में दो और चौथे में बिल्कुल, और एगोनिक्स आई एट अपने चारों के चारों प्लेयर्स को बचा कर उन्होंने रखा हुआ, इम्पॉसिबल लग रहा था ब्लेड का बचना खास तौर के ऊपर। ठीक है, रिवेंज आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर बात अगर दानी के रिलेटेड चली रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दानी जो है अपने कमबैक के रिलेटेड भी अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं वो भी आप लोग चेकआउट करें।
कम्बेड में कमबैक कब आ रहा हो? कम्बेड में मुश्किल है मेरा कमबैक। हाँ चांसेस है, उसी वेयर हाउस के आएगा तुम्हारा भाई, चले जाएंगे जहाँ पर हमें थोड़ी देर। मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ फिलहाल, यही प्लेयर पता नहीं यार, देखूंगा मूड तो मेरा है नहीं दे रहे थे, लेकिन से फॉल बैक करने पर मजबूर कर दिया। आईजीएल का मूड मेरा फुल बना हुआ है। रेजिस साइड देखते हैं कि दानी कमबैक करते हैं या नहीं। दानी के अलावा बाबा ओपीपीएफएस में कमबैक के रिलेटेड बात करते हैं अपनी स्ट्रीम में, उनकी स्ट्रीम का भी पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई क्या एफएस दिखने को मिलेगी? इंशाल्लाह जरूर, टाइम मिला तो जरूर खेलेंगे यार, लेट्स सी। अगर वक्त हम लोग को साथ जोड़ता है तो व्हाई नॉट, खेलेंगे जरूर। खैर अगर आपको मौका मिले कि बाबा ओपी या दानी में से किसी एक कोई कम्युनिटी में वापस ला रहे हैं तो आप किसको लाओगे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ। इसके अलावा मजीद बात करें तो यार पीएमबीएल पाकिस्तान फाइनल की टॉप 8 टीम्स को साउथ एशिया चैंपियनशिप जाना है। यार बहुत सी न्यूज वगैरह ऐसी निकल के आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि साउथ एशिया चैंपियनशिप जो है वो लैन होगा। उसी के रिलेटेड अलादीन जो है वो भी अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में बात करते हैं, तो उनकी स्ट्रीम का वो पार्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस SSC लैन इवेंट प्लीज कंफर्म। मैंने सुना है कि SSC लैन है। यस यस मैंने सुना है कि SSC लैन है इस बार, बड़ा सुना है मैंने। तो देखते हैं कि साउथ एशिया चैंपियनशिप लेन होता है या नहीं। अगर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।